दोस्तों GDS को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। GDS की वैकेंसी जो आपने देखी, एक बार गूगल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो अपने आप आपको कैसे चेक करना है वो भी आप बच्चों इसी में साथ साथ सीख सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, यहाँ पर गूगल क्रोम आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक कोई भी ब्राउज़र आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो सिंपल, आप यहाँ पर समझिए आपको क्या लिखना है। यहाँ पर लिखना है GDS, ठीक है, इंडिया पोस्ट GDS, ठीक है। आपको टाइप करना है इंडिया पोस्ट GDS, ये लिखकर आपको सर्च कर देना है। या फिर दूसरा काम आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। किस चीज़ का लिंक है डिस्क्रिप्शन में? टेलीग्राम का। आप उस पर ज्वाइन हो जाइए तो जैसे ही वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके हैं, इंडिया पोस्ट GDS। अब वैकेंसी देखो, अपडेट जानने के लिए, ठीक है, 44,228 पोस्ट निकली हैं, ठीक है। 44,228 पोस्ट की वैकेंसी आई है, ये आप सभी को पता है। तो कंप्लीट अपडेट कि ये क्या कंप्लीट भरी जाएंगी, कंप्लीट नहीं भरी जाएंगी, सेकंड लिस्ट आपको कैसे देखनी है, एक तो टेलीग्राम से आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, ठीक है, और आप अपने आप कैसे चेक कर सकते हैं वो भी हम समझेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो कम्प्लीट देखना है बिना स्किप किए हुए, ठीक है। तो इसमें दो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही हैं। एक तो जो पहले ही जो लिस्ट आई है, जो 19 अगस्त को आई, उनको जो उनकी जो सेकंड लिस्ट है वो 10 सितंबर को आनी थी लेकिन नहीं आई है, ठीक है। और जिनकी 22 अगस्त को लिस्ट आई, उनकी जो सेकंड लिस्ट आनी थी 22 अगस्त वालों की, उनकी आनी है 15 सितंबर को, यानी कि कल, ठीक है। अब पहले वाली नहीं आई है तो दोनों की 15 सितंबर को आ सकती है, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि 15 सितंबर को, ठीक है, 15 सितंबर या 14 सितंबर, आज की रात या कल शाम तक आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और 15 सितंबर को लिस्ट देखने की मिल जाएगी। और साथ में एक और अपडेट जो निकल कर आ रही है कि अलग से आपको वैकेंसी लगभग 35,000 सीट दोबारा से आपको अप्लाई करने को मिलेगी। कौन सी तारीख से आप अप्लाई कर पाएंगे, कब वैकेंसी भर पाएंगे, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे आगे, ठीक है। 35,000, अब ये 35,000 वैकेंसी कहाँ से निकलेगी, ठीक है। 35,000, 44,228, ठीक है, 44,228 तो आपको अभी मिली है, लेकिन अगर ये 35,000 वैकेंसी फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके मन में सवाल आ रहे होंगे ये 35,000 वैकेंसी कहाँ से आएंगी। तो इसको आप समझिए कब अप्लाई कर सकते हैं वो भी आपको बताते हैं तारीख। और इसको जो है एक बार यहाँ पर देखो, वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर समझो बच्चों क्या है, 44,228, ठीक है। अब इसमें आपने देखा कि 100% इसमें बहुत से बच्चों के 100% पर सिलेक्शन हो रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ बच्चे फेक निकलेंगे, ठीक है, कुछ बच्चे फेक हैं और कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाएंगे, जिनकी वजह से 44,228 में से बच्चों, 44,228 जो पोस्ट आई है बच्चों, ठीक है, इसमें से लगभग लगभग मान कर चलिए 12 से 15 हज़ार पोस्ट खाली रहने वाली हैं, ठीक है। 12,000 पोस्ट अप्रॉक्स आप मानकर चलिए खाली रहने वाली हैं। और समझ लीजिए, जो पिछले साल भर्ती हुए हैं या जो प्रीवियस हैं उनका प्रमोशन होने वाला है। अब आप देखिए सिंपल, देखो आप अगर 11th क्लास में हो, ठीक है, तो आप 12th में जाते हो, तो 11th में नए बच्चे आते हैं ना, सीट खाली होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों जिनका प्रमोशन होगा तो उसमें भी लगभग मान कर चलिए 8 से 10 हज़ार सीट आपको मिलने वाली है, देखने को मिलेंगी, ठीक है। और कुछ जो है नए ऑफिस खुले हैं, नए ब्रांच ऑफिस, BO ऑफिस, ठीक है, नए खुले हैं, जिसमें वहाँ भी पोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यार से समझते चलिए सारी चीज़ें। तो ये टोटल आप देखोगे तो लगभग 30 से 35 हज़ार वैकेंसी आपको फिर से फॉर्म भरने को, अप्लाई करने को मिल जाएगी। जो नॉर्मल वैकेंसी आती है, हर साल आती है, वो तो आपको मिलेंगी मिलेंगी 44,228 वाली, ठीक है, लेकिन ये 30 से 35 हज़ार की वैकेंसी आपको बहुत जल्द, अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है ये कब तक चल सकती है, ठीक है, तो ये 31 दिसंबर से पहले पहले हो जानी है, ठीक है, 31 दिसंबर से पहले हो जानी है ये भर्ती प्रक्रिया। तो 35,000 वैकेंसी आपको 31 दिसंबर के बाद देखने को मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि 35,000 वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगी बच्चों, वो आपको जनवरी में,
ठीक है, जनवरी में आपको देखने को मिल सकती हैं, जनवरी 25, ठीक है, क्योंकि 31 दिसंबर 2024 तक तो वैकेंसी चलेगी ये वाली, ठीक है। तो आप जनवरी में मानकर चलिए 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप दोबारा से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सेम पोस्ट के लिए। और उसमें कोशिश ये की जाएगी कि डॉक्यूमेंट आपके अपलोड करवा सकें, 10th की मार्कशीट जो है वो स्कैन करके अपलोड करवा सकें, ये जो है डिपार्टमेंट कोशिश कर सकता है। हालांकि इतनी जल्दी पॉसिबल हो ये थोड़ा मुश्किल है, तो अगली मतलब आगे से ये कोशिश की जा सकती है कि आगे जो भी फॉर्म निकले उसमें 10th की मार्कशीट अपलोड करवाई जाए, क्योंकि फेक नंबर बच्चे ज़्यादा भर देते हैं, ठीक है, जबकि उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है, लेकिन जिनको सीट मिलनी होती है उनकी सीट नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो इस वजह से स्कैम ना हो इसके लिए 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करने को जो है ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है बच्चों, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, सेकंड लिस्ट जैसे ही अपलोड होगी, ठीक है, सेकंड लिस्ट जैसे ही आपको मिलेगी, जैसे ही अपलोड होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेट आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखिए या टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है, आपको अपडेट मिलेगी, उसमें आपका नाम दिखेगा, तो आप अगले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंच जाइए, ठीक है। वैसे तो समय मिलता है, समय उसमें लिखा रहेगा, जितने भी दिन का, लगभग 15 दिन का समय मिलता है, तो उसमें जितना भी समय मिलेगा वो लिखा रहेगा, ठीक है, लेकिन आपको उतना इंतज़ार नहीं करना है। तो आपके पास समय है, पहली लिस्ट आई है उससे बेहतर समय आपको सेकेंड लिस्ट में मिलेगा, जो सेकेंड लिस्ट आएगी, ठीक है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बेहतर समय आपको मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप तैयार रहिए, अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, ताकि जो है आपको ज़रा भी दिक्कत ना आए, ठीक है। चेक करने का सिंपल प्रोसेस रहेगा, आप अपने मोबाइल पर आएंगे, गूगल क्रोम में इंडिया पोस्ट GDS लिखेंगे, क्या लिखना है, इंडिया पोस्ट GDS, अभी लिख कर दिखाया ना, और यहाँ पर आपको अपडेट दिख जाएगी, जहाँ पर ये लाइन चल रही है ना, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। और उसके बाद साथ में आपको यहाँ जूम करके देखिए, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2024 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सर्कल खुल जाएंगे, और जिस भी सर्कल की लिस्ट आपको डाउनलोड करनी होगी, ठीक है, यहाँ पर ये देख लो सर्कल है, जिस भी सर्कल की लिस्ट आपको डाउनलोड करनी है उस पर आप क्लिक करेंगे, प्लस का निशान बना है ना साथ में, तो प्लस के निशान पर धन के निशान पर बच्चों आप टच करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश पर टच किया तो लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट लिखा हुआ आएगा, इस पर आप टच कर दोगे, जैसे ही बच्चों टच करोगे आपके सामने जो है PDF डाउनलोड हो जाएगी। कैसे होगी वो भी देख लेते हैं, यहाँ पर टच करेंगे, टच करने के बाद यहाँ पर देखो PDF डाउनलोड होना शुरू हो गई, और यहाँ पर व्यू PDF आप कर सकते हैं, और यहाँ पर व्यू PDF करने के बाद इस पर आप अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सवाल है आपके मन में, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।